हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपकी सेकंड बुक इट्स सो हैपन का जो 5 चैप्टर पढ़ा रहे थे उसका सेकंड पार्ट अब आपको पढ़ाया जाएगा, यानी 3 सितंबर जो हमारा लेसन 5 है उसका सेकंड पार्ट है। तो देखिए, इट सीम टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे ए लॉन्ग टाइम। राजकुमारी सेप्टेम्बर को ऐसा प्रतीत होता था कि उसका छोटा पक्षी है बहुत लंबे समय से गया हुआ है। समथिंग माइट हैव हैपन्ड टू हिम, कभी कभी ऐसा हो सकता है, उसके साथ कोई घटना घटित हो सकती है। वाट विद हॉक्स एंड सैंडीज यू नेवर न्यू वाट ट्रेबल ही माइट गेट इनटू। जैसे बाज हैं और या तो किसी बाज ने उस पर झपटा मार दिया हो या वो किसी जाल में फंस गया हो, हैं तुम नहीं जान सकते क्या समस्या आ सकती है। सितंबर जो प्रिंसेस थी वो सोच रही थी कोई बाज भी उस पर झपटा मार सकता है या कोई शिकारी के जाल में भी वो फंस सकता है। बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स। इसके अतिरिक्त वह उसे भूल भी सकता है और या वह किसी और में रुचि ले सकता है। That would be dreadful, ये बड़ी भयावह बात थी। She wished he were safely back again, और राजकुमारी सितंबर की इच्छा थी कि वह पक्षी सुरक्षित वापस आ जाए, दोबारा वापस आ जाए। Suddenly सितंबर heard a tweet tweet just behind her ear. अचानक राजकुमारी सितंबर ने अपने कान के पीछे ट्विट ट्विट की आवाज़ सुनी, एंड सी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, और उसने देखा वो छोटा पक्षी उसके कंधे पर बैठा हुआ है। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली दैट सी हैड नॉट हियर्ड हिम, हैं वह उसके पास चुपचाप आ चुका था और उसके कंधे पर उतर आया था, उसके कंधे पर आराम से बैठ गया था और राजकुमारी को पता भी नहीं चला था। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। राजकुमारी ने कहा मुझे आश्चर्य था हैं कि तुम पृथ्वी पर हो आओगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम जहाँ भी कहीं होगे तो अवश्य आओगे। आई थॉट यू वुड अंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा मैं भी सोचता था कि तुम्हें इस बात का आश्चर्य होगा। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल। तथ्य ये था कि मैं पूरी रात इसलिए वापस नहीं आ सका, उसका एक कारण था। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग ए पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, बट आई थॉट यू वुड बी अनएक्जियस चिंतित। मेरे ससुर ने एक पार्टी दे रखी थी और वो सब चाहते थे कि मैं वहाँ रुकूं, लेकिन मैं सोच रहा था कि राजकुमारी बड़ी चिंतित होंगी। अंडर द सर्कमस्टेंसेस दिस वॉज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। इन परिस्थितियों के बावजूद भी, सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियाँ,
इन समस्याओं के बावजूद भी ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण कथन था हैं उस छोटे पक्षी के लिए, ये करना एक बड़ा दुर्भाग्यमय कथन था। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हर्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। सेप्टेम्बर ने हैं उसके लिए बहुत दुख महसूस किया और उसने उसे अपनी छाती से लगाया। अब उसने अपने दिमाग में सोचा कि अब मैं और रिस्क नहीं उठा सकती और जोखिम नहीं उठा सकती। सी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड। उसने अपना हाथ उठाया और उस पक्षी को पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, उस पक्षी को जरा भी संदेह नहीं हुआ। एंड ही वाज सो सरप्राइज व्हेन सी कैरीड हिम ओवर टू द केज, पॉप्ड हिम इन एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। हाँ, पक्षी को कोई भी संदेह नहीं हुआ है, वह आश्चर्यचकित था जब वह उसे पिंजरे के पास ले गई और उसने उस पक्षी को पिंजरे में धकेला, पॉपड़मिस धकेलना, और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ समय तक पक्षी ये भी नहीं सोच पाया कि क्या कहूँ, वो थोड़ा पजल हुआ, परेशान हुआ कि ऐसा क्या हो गया। बट इन ए मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द यूरी पर्च एंड सैड। लेकिन एक थोड़ी बहुत देर के लिए वो पक्षी हाथी दांत के बने हैं और उस पिंजरे में थोड़ा उछला और कहा, व्हाट इज द जोक, ये क्या मजाक है। देर इज नो जोक सेड सेप्टेम्बर, राजकुमारी सेप्टेम्बर ने कहा, ये मजाक नहीं है। बट सम ऑफ मम्माज कैट्स आर प्रोलिंग अबाउट टू नाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, क्योंकि हमारी मम्मी की जो बिल्ली है ना, वो रात में चुपचाप इधर घूमती है और मैं सोचती हूँ कि तुम पिंजरे में सुरक्षित होंगे। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, ठीक है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, है और सुबह को तुम मुझे इससे बाहर निकाल देना। ही एट ए वेरी गुड सुपर, उसने रात को बड़ा अच्छा भोजन किया। एंड देन बिगेन टू सिंग, और तब उसने गाना शुरू कर दिया। बट इन द मिडिल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन जब वो गा रहा था, गाते गाते वो अपने गाने के बीच में ही रुक गया। आई डोंट नो वाट इज द मैटर विद मी ही सैड, उसने कहा, मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हो रहा है। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन आज की रात है मैं गाना पसंद नहीं करता हूँ, मुझे गाना ही नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा, ठीक है, गो टू स्लीप इन स्ट्रीट, सो जा। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन ए मिनट वॉज फास्ट एस्लीप, इसलिए उस पक्षी ने अपने सर को पंखों में रखा और एक ही मिनट में सो गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, और राजकुमारी सेप्टेम्बर भी सो गई। बट व्हेन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवोकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, लेकिन जब सुबह हुई और वह जागी हैं, उस छोटे पक्षी ने उसे पुकार करके हैं ऊंची आवाज़ में जगाया। वॉकअप वॉकअप ही सेड, उसने कहा, उठो उठो,
ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस पिंजरे के दरवाजे को खोलो, एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई वाइट द ड्यू इज स्टिल ऑन द अराउंड, देखो मुझे उड़ना है बाहर, ओस पड़ी है और मुझे ज़मीन पर ओस पड़ी है और मुझे ऐसे मौसम में उड़ना है, सुबह के वक्त मुझे उड़ना अच्छा लग रहा है। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा, तुम जहाँ हो वहीं अच्छे हो। लेट मी आउट, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, सेड द लिटिल बर्ड, उस छोटे पक्षी ने कहा। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और उसने उस पिंजरे के जो उसमें सलाखें लगी थी उनसे बाहर निकलने का प्रयास किया, बट ऑफ कोर्स कुड नॉट, लेकिन वास्तव में वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल सका। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और उसने दरवाजे को खटखटाया, बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट, लेकिन वह उसे भी खोल नहीं सका। देन दैट प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, तब आठ राजकुमारियां आई, यानी सितंबर की जो अदर सिस्टर थी वो आई और उन्होंने उसे देखा। दे टोल्ड सितंबर सी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, उसकी बहनों ने सितंबर से कहा, तुम बड़ी बुद्धिमान हो, तुमने हमारी सलाह को अपनाया है। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केस एंड इन ए फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, उन्होंने कहा शीघ्र ये पक्षी इस पिंजरे में रहने लगेगा, कुछ ही दिनों में ये इसमें रहने का अभ्यस्त हो जाएगा और ये भूल जाएगा कि स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्र कैसे रहा जाता है। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल व्हाइल दे वर देयर, जब वो वहाँ थी तो छोटे पक्षी ने कुछ नहीं कहा। बट एज सून एज दे वर गोन ही बिगेन टू क्राई अगेन, जैसे उसकी बहनें चली गई तो उस पक्षी ने फिर चिल्लाना शुरू किया। लेट मी आउट, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिल्ली, सेड सितंबर। सितंबर ने कहा, बेवकूफ़ी मत दिखाओ, मूर्ख मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत शौकीन हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। आई नो वाट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, है मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, हैं, और यू डू योर सेल्फ, और इससे अच्छा तुम कर सकती हो, यानी बात यह है, मैं जानती हूँ कि जो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन करूँ क्या, मैं तुम्हारे बिना रह भी तो नहीं सकती। सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग, मुझे एक छोटा सा गीत सुना दो। एंड आई सेल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर, और मैं तुम्हें चीनी का एक टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सेंग ए नोट, लेकिन छोटा पक्षी अपने पिंजरे के कोने में हैं खड़ा हो गया और नीले आकाश की ओर देखता रहा और उसने एक भी गीत नहीं सुनाया। वाट इज द गुड ऑफ सल्किंग, हाँ भाई सल्किंग कहते हैं उदास, हैं, वाट इज़ द गुड ऑफ उदास रहना, क्या अच्छा है, सैड सितंबर, हैं, सितंबर ने कहा। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, तुम गाते क्यों नहीं, तुम अपनी परेशानियों को क्यों नहीं भूल जाते। How can I sing? answered the bird. उस पक्षी ने उत्तर दिया, मैं कैसे गा सकता हूँ। I want to see the trees. मैं पेड़ देखना चाहता हूँ। And the lake. मैं झील देखना चाहता हूँ। And the green rice growing in the field. और खेत में हरे चावल के उगे हुए पौधों को देखना चाहता हूँ।
आई शैल टेक यू आउट एवरी डे सी सैड। राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हें प्रतिदिन बाहर ले जाऊंगी। इट इज़ नॉट द सेम थिंग सैड द लिटिल बर्ड। छोटे पक्षी ने कहा, ये कोई बात नहीं है। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज। विलो कहते हैं नर्सल, जो खोखली होती है अंदर से, है ना। क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ ए केज। क्या कहा उस छोटे पक्षी ने? छोटे पक्षी ने कहा, हाँ, चावलों के खेत, झील, नर्सल के पेड़ पिंजरे के अंदर से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। द बर्ड वुड नॉट सिंग ए सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट ए थिंग। उस पक्षी ने एक भी गीत नहीं गाया और कुछ भी नहीं खाया। द प्रिंसेस वॉज लिटिल अनग्जियस एट दिस। और राजकुमारी सेप्टेम्बर थोड़ा चिंतित हुई। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। और उसने अपनी बहनों से पूछा कि अब क्या किया जाए, अब तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है, क्या करूं। यू मस्ट बी फ्रॉम दे सैड। उन्होंने कहा, तुम्हें दृढ़ होना चाहिए, स्ट्रांग बने रहना चाहिए, अपनी बात पर अड़िग रहना चाहिए। बट इफ ही वुड नॉट ईट, अगर ये खाएगा नहीं, ही विल डाई, ये मर जाएगा। सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, और ये उसके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। दे सैड, उन्होंने कहा, He must know that you are only thinking of his own good. हैं, उसने कहा, तुम्हें जानना चाहिए कि तुम केवल अपने अच्छे के लिए ही सोच रही हो। If he is obstinate and dies, हैं, it will serve him right and you will be well rid of him. उन्होंने कहा, ठीक होगा अगर ये मर गया, हैं, इट विल सर्व, ये उसकी सेवा करेगा, हैं, राइट एंड यू विल बी गेट रिड ऑफ हिम, और तुम इससे उससे तुम छुटकारा पा जाओगे, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। सेप्टेम्बर डिड नॉट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। सेप्टेम्बर नहीं समझी उसका अच्छा कैसे हो रहा है, वो अच्छे कैसे कर रही है। बट देवर 8-1 एंड ऑल ओल्डर देन सी, सो सी सैड नथिंग। लेकिन वो जो उसकी 8 बहनें थी, जो उससे बड़ी थी, वो उसे हैं कह रही थी कि तुम कुछ मत कहना। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केस बाई टुमारो सी सैड। उसने कहा, शायद कल तक ये पिंजरे में रहने का अभ्यस्त हो जाएगा, आदि हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डे व्हेन सी अवोक सी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन चीयरफुल वॉइस। और हो सकता है अगले दिन जब वह जागे तो वह पक्षी खुश आवाज़ में उसे गुड मॉर्निंग कहेगा। सी गॉट नो आंसर, उसने उत्तर नहीं दिया। सी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रन टू द केज। वह उछली और पिंजरे के पास गई। सी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई, वह चौंक गई, उसे स्टार्टल्ड चौंकना है, चौंक गई। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले एट द बॉटम ऑन हिज साइड। वो बेचारा पक्षी उस पिंजरे की पेंदी में एक तरफ लेटा हुआ पड़ा था। विद हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और वो ऐसे दिखता था कि मानो मर गया हो। सी ओपन्ड द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्ट हिम आउट। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला, उसे अपने हाथ में उठाया। सी गेव ए सोब ऑफ रिलाइफ, वह सुबकने लगी, रोने लगी। फोर सी फेल्ट दैट हिज लिटिल हर्ट वॉज बीटिंग स्टिल। लेकिन उसने महसूस किया उस छोटे पक्षी का हृदय धड़क रहा था।
वोकअप लिटिल बर्ड सी सैड, उसने कहा जागो जागो छोटे पक्षी जागो। सी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, उसने रोना शुरू कर दिया और उसके आंसू छोटे पक्षी पर गिरे। ही ओपन्ड हिज आईज एंड सा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, जब उसने अपनी आंखें खोली उसने देखा कि अब वो पिंजरे के अंदर नहीं है, अब उसके चारों तरफ पिंजरा नहीं है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ कैन नॉट सिंग आई डाई ही सेड, उसने कहा मैं तब तक नहीं गा सकता जब तक मैं स्वतंत्र नहीं रह सकता, और यदि मैं गा नहीं सकता तो आई डाई में मर जाऊंगा ही सेड, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सॉब, राजकुमारी को बहुत दुख हुआ, बहुत जोर से रोई सुबह की। देन टेक योर फ्रीडम सी सेड, उसने कहा ठीक है तो अपनी स्वतंत्रता को लीजिए। आई शट यू इन ए गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू, अब मैं इस सोने के पिंजरे को खोल देती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। एंड वॉन्टी टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ढंग से रहो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, पर मुझे पता नहीं था अगर तुम पिंजरे के अंदर रहोगे तुम मर जाओगे। आई लव यू एनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और अगर तुम खुश रहना चाहते हो, तुम स्वतंत्र होकर के खुश होना चाहते हो तो जाओ अपने ढंग से रहो। सी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस्ड द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, उसने खिड़की को खोला और धीरे से उस पक्षी को खिड़की की चौखट पर बिठा दिया, सिल मींस चौखट। ही शॉक हिमसेल्फ ए लिटिल, वो थोड़ा सा हिला। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड सी सेड, उसने कहा ठीक है पक्षी जब तुम्हारी इच्छा पड़े आना और जब तुम्हारी इच्छा पड़े चले जाना, कोई बात नहीं है, जब तुम चाहो आ सकते हो जब तुम चाहो जा सकते हो, राजकुमारी ने कहा। आई विल नेवर पुट यू इन ए केस एनी मोर, अब मैं तुम्हें कभी पिंजरे में नहीं रखूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड, पक्षी ने कहा मैं आऊँगा छोटी राजकुमारी आऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हारे लिए प्यारे प्यारे गीत गाऊँगा जो मैं जानता हूँ। आई सेल गो फार अवे, मैं दूर जाऊँगा, बट आई सेल ऑलवेज कम बैक, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे पास आऊँगा। एंड आई सेल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। यू गेव हिम सेल्फ अनादर शेक, हैं तुम, उसने फिर वो दोबारा हिला। गुड ग्रेसियस मी, महारानी आपकी अनुकंपा हो, हाउ स्टीप आई एम, हैं अब मैं भी कितना दुखी था, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। देन ही ओपन्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंख खोले एंड फ्लू राइट अवे इन टू द ब्लू स्काई, और नीले आकाश में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इन टू टीयर, लेकिन छोटी राजकुमारी फूट फूट करके रोई। फॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर यू ओन, एंड विद हर लिटिल बर्ड फोर आउट ऑफ साइट सी फेल्ट, राजकुमारी फूट फूट करके रोई। ये कितना कठिन होता है कि जब राजकुमारी जिसे प्यार करती है और वो उसका अपना हो लेकिन उसके सामने ना हो, तो उसे कितना दुख महसूस होता है, वो अचानक अपने आप को अकेला महसूस करती है, ऑल ऑफ ए सडन वेरी लोनली अपने आप को अकेला महसूस करती है। व्हेन हर सिस्टर न्यू व्हाट हैड हैपन्ड दे मॉक्ड हर एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, जब उसकी बहनों को पता चला कि ये घटना घटित हुई तो उन्होंने उस सितंबर का मजाक उड़ाया और कहा
वो छोटा पक्षी अब कभी फिर नहीं लौटेगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन अंत में उसने किया, वो आया। एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर, वो आया और राजकुमारी सेप्टेम्बर के कंधों पर बैठा। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, उसने उसके हाथों से खाना खाया। एंड सेंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग ही हैड लर्न वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। हैं, उसने राजकुमारी के हाथों से खाना खाया और उसने राजकुमारी के लिए सुंदर गीत सुनाए, वो गीत जो उसने संसार के खुले स्थानों में, सुंदर स्थानों में उड़ करके सीखे थे। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम व्हेन एवर ही फेल्ट इनक्लीन। राजकुमारी सेप्टेम्बर अपने कमरे की खिड़की को हम रात दिन खुला रखती थी, वो पक्षी जब चाहे अंदर आ सकता था और जब चाहे वो जा सकता था। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए भी अच्छा था। सो सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और इसलिए वो राजकुमारी अत्यधिक सुंदर हो गई। एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड एनफ सी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया एंड वॉज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। और जब राजकुमारी शादी लायक हो गई तो उसकी शादी कंबोडिया के राजा से हो गई, और वह एक सफ़ेद हाथी पर बैठा कर वो राजा उसे अपने शहर लाया जहाँ वो रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडो ओपन, लेकिन उसकी बहनें कभी खिड़कियाँ खोल करके नहीं सोती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीबल, और उसकी बहनें वो भद्दी हो गई और झगड़ालू हो गई। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसिलर विद ए पाउंड ऑफ टी एंड ए सियामीस कैट। जब वो शादी लायक हुई तो राजा ने उनकी शादी, वो भद्दी और झगड़ालू हो गई, तो राजा ने उनकी शादी जो उसके दरबारी लोग थे उनके साथ कर दी, और उन्हें एक पौंड चाय और एक स्यामी बिल्ली देकर उनको विदा किया। बच्चों, ये हमारा लेसन यहीं पर फिनिश होता है। आशा करता हूँ कि आप इस लेसन को बार बार स्टडी करेंगे, और अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंस एलाबरेट द पार्ट गिवन इन इंटिलाइज अंडर द सर्कमस्टेंसेस इट वॉज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द बर्ड टू मेक। है भाई, जो नीचे सेंटेंस दिया गया है उसमें कहानी को, एक हिस्से को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया है, और वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जो उनके लिए दुर्भाग्य को लाई। प्रिंसेस हैड हर फियर एंड वॉरीज, राजकुमारी को अपने डर और चिंताएं थी। सी थॉट द बर्ड माइट नेवर कम बैक, उसे डर था कि वो छोटा पक्षी कभी नहीं लौटेगा। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस द बर्ड फाइनली कम बैक, इन अनेक परिस्थितियों के बावजूद भी वह पक्षी वापस आया। ही सेड दैट ही माइट हैव ऑलमोस्ट नॉट कम बैक दैट नाइट, उसने कहा कि वो पूरी रात कल इसलिए नहीं आया क्योंकि हिज फादर इन लॉ वॉज होल्डिंग ए पार्टी एंड एवरीबडी वॉन्टेड हिम टू स्टे, उसके ससुर के यहाँ एक दावत थी और उसके सभी सदस्य कह रहे थे कि उसे यहाँ पार्टी में रहना होगा। दिस रिमार्क वॉज अनफॉर्चुनेट फॉर द बर्ड, ये कथन उसके लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि बिकॉज इट इंक्रीज हर इनसिक्योरिटी, क्योंकि यह उसकी असुरक्षा को बढ़ाता है। वाट डिड प्रिंसेस सेप्टेम्बर डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट,
राजकुमारी सितंबर ने उस पालतू पक्षी की सुरक्षा के लिए क्या किया? हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? लेकिन उस पक्षी ने उसकी क्या प्रतिक्रिया दिखाई? प्रिंसेस सितंबर टुक होल्ड ऑफ द बर्ड पुशिंग हिम इनटू द केज एंड शट इट्स डोर। राजकुमारी सितंबर ने उस पक्षी को पकड़ा और सोने के पिंजरे में डाल दिया। द बर्ड वॉज टेकन बाय सरप्राइज फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। कुछ पलों के लिए उस पक्षी को आश्चर्य हुआ। देन ही आस्क्ड हर व्हाट द जोक वाज। तब उसने पूछा क्या मजाक है ये। ही वॉज ए लिटिल कंसोलेटेड टू थिंक दैट ही वुड बी लेट आउट इन द मॉर्निंग। फिर भी उसे थोड़ी सी आशा थी, थोड़ा सा विश्वास था कि ठीक है कि रात में राजकुमारी ने उसको पिंजरे में डाल दिया, लेकिन सुबह ही वो उसको पिंजरे से निकाल देगी, उसे ऐसी आशा थी। वाई डिड द बर्ड रिफ्यूज टू टेक आउट इन हर केज। पक्षी ने पिंजरे से बाहर आने से मना क्यों किया? प्रिंसेस सितंबर प्रोमिस टू टेक द बर्ड आउट एवरी डे टू अनेबल हिम टू सी द लेक ट्री एंड द फील्ड्स। राजकुमारी सितंबर ने पक्षी से वादा किया था कि वो प्रतिदिन उसे झील, पेड़, खेत दिखाएगी। बट द बर्ड रिफ्यूज हर ऑफर। लेकिन पक्षी ने इस ऑफर को मना कर दिया। ही सेड सीइंग ऑल दोज थिंग्स थ्रू बार ऑफ द केज वॉज नॉट द सेम थिंग एज वॉचिंग दैम वाइल फ्लाइंग क्लियरली। उसने कहा कि जो चीज़ें स्वतंत्र रूप से उड़ करके दिखाई देती हैं, जितनी सुंदर दिखाई देती हैं पिंजरे के अंदर रह करके, वो चीज़ें इतनी सुंदर दिखाई नहीं दे सकती। What persuaded Princess September to give the bird his freedom again? उस राजकुमारी सितंबर ने उसकी स्वतंत्रता को दोबारा कैसे दिया? How did the bird react to it? और पक्षी ने उसकी क्या प्रतिक्रिया दिखाई? The bird stopped singing at eating. उस पक्षी ने गाना और खाना छोड़ दिया। He said that if he would not sing, he would die. और उस पक्षी ने कहा था अगर मैं गाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा। वन मॉर्निंग सेप्टेम्बर गेव स्टार्टल्ड क्राई टू सी हिम लाइंग विद आइज क्लोज्ड। एक सुबह राजकुमारी सेप्टेम्बर उस पक्षी को देख करके चौंक गई, चिल्लाई जब वो अपनी आंखें बंद किए हुए पिंजरे के कोने में पड़ा था। सी लव्ड हिम सो मच दैट सी वैल्यूड ऑफ हिज लाइफ मोर देन हर ओन प्लेजर। वह उसे बहुत प्यार करती थी, वह उसकी जो कीमत अपनी जान से भी ज़्यादा रखती थी, अपनी खुशियों से भी अधिक उसे मानती थी। सो सी गेव हिम हिज फ्रीडम, इसलिए उसने उसे स्वतंत्रता दे दी। द बर्ड प्रोमिस टू कम टू हर अगेन एंड नेवर फॉरगेट हर बिकॉज ही लव्ड हर। पक्षी ने राजकुमारी से वादा किया मैं बार बार आऊँगा, मैं नहीं भूलूँगा, कभी नहीं भूलूँगा, क्योंकि राजकुमारी मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ही एजोर्ड हर दैट ही वुड सिंग हर द लवलीस्ट सॉन्ग ही न्यू। और उसने वादा भी किया कि मैं तुम्हें वो सब सुंदर गीत सुनाऊँगा जो मैंने सीखे हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ। प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। राजकुमारी सितंबर रात दिन अपनी खिड़की को खुला रखती थी। How did it help the bird? इसमें पक्षी की सहायता कैसे होती थी? Second part, How did it help the princess herself? इसमें राजकुमारी की सहायता कैसे होती थी? The open window gives the bird freedom to fly in and out of September's room whenever he liked. जब राजकुमारी सितंबर की रूम की खिड़की खुली रहती थी तो पक्षी कभी भी अंदर आ सकता था और कभी भी बाहर जा सकता था जब वो चाहे। द बर्ड विजिटेड रेगुलरली एंड एंटरटेन्ड द प्रिंसेस विद हिज सॉन्ग्स। वो पक्षी पर डे राजकुमारी के पास आता था और राजकुमारी के लिए गीत गाता था, राजकुमारी को आनंदित करने के लिए गीत गाता था। Secondly, fresh air from opened window brought a glow on her face.
और दूसरी बात, ताजी हवा जब राजकुमारी के चेहरे पर पड़ती थी तो उससे एक उसके चेहरे पर एक अद्भुत ग्लो आ गई, चमक आ गई। सी ग्रू सो ब्यूटीफुल दैट सी मैरी टू द किंग ऑफ कंबोडिया, और वह इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि कंबोडिया के राजा ने उससे शादी कर ली। सिक्स क्वेश्चन, द एट सिस्टर कैप्ट देयर विंडो शट, वो आठों बहनें, आठों राजकुमारियां, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये आठों बहनें अपनी खिड़कियां बंद रखती थी। हाउ डिड इट अफेक्ट देम, इसका क्या प्रभाव पड़ा। द एट सिस्टर्स ग्रू एक्सट्रीमली अगली एंड डिसएग्रीबल इन द अब्सेंस ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट, आठों बहनें हैं अत्यधिक भद्दी और झगड़ालू हो गई क्योंकि सूर्य की रोशनी और शुद्ध हवा उनके चेहरे पर नहीं लगी। देवर फाइनली मैरिड ऑफ टू किंग्स काउंसलर्स, और अंत में राजा के दरबारियों से उनकी शादी कर दी गई। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन यहीं पर फिनिश होता है और हमारे ये 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इन लेसन की समरी को बार बार पढ़ें। जैसे हमने लाइन टू लाइन आपको हिंदी ट्रांसलेट करके भी समझाने का प्रयास किया है, आप जब लेसन को मेडिटेशन होकर के पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, तो उम्मीद है कि लेसन आपके ज़रूर समझ में आएगा। और फिर उस लेसन से जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में रखना, लिखना, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे स्कूल कब ओपन होंगे, तो इसलिए आप घर पर, जैसे कि स्कूल में है ना, आप पीरियड अकॉर्डिंग टू योर क्लास पीरियड है ना, आप अपने काम करते हैं कक्षा के जो पीरियड के अनुसार से, ऐसे ही आप लोग अपनी कक्षा की तरह ही अपने घर पर इस सब कार्य को पूर्ण करें। और हमारे 5 लेसन कंप्लीट हो गए हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमें अगले जो लेसन हमारे बचे हैं, नेक्स्ट जो लेसन्स हैं, शायद वो ना ऐसे ही पढ़ाने पड़ें। तो बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, अपने कार्य को पूर्ण करना। जब स्कूल ओपन होगा मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगा, तुरंत जमा कर ली जाएगी, और क्वेश्चन भी लर्न और टेस्ट वगैरह वगैरह स्कूल खुलते ही शुरू हो जाएंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, आप इसे हैं थोड़ा हल्के में मत लेना, थोड़ा डीपली समझना। आप समझदार स्टूडेंट हैं, और फिर भी एक बात और कहूँगा, अगर आप लोगों को इस लेसन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे किसी भी समय फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स माय डियर।